नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को सिलाई सिखाती हूँ। जिनको भी सिलाई सीखना है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों को फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज का थ्योरी और डायग्राम बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कितने लोग बोलते हैं फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज का फिटिंग सही नहीं आता है, बेल्ट ऊपर चढ़ जाता है। सबसे पहले डायग्राम और थ्योरी को अच्छी तरह से समझने के बाद आप कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज कभी नहीं बिगड़ेगी। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हेडिंग दे दीजिए, योग पट्टी ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज भी कहा जाता है और फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज भी कहा जाता है। सबसे पहले लंबाई देखेंगे, तो लंबाई में 14 इंच का ब्लाउज बनाना है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में 3 इंच प्लस कर देंगे। यानी 14 इंच लंबाई में ब्लाउज बनाना है तो 3 इंच प्लस करके 17 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर यानी कंधा रखेंगे 5.5 इंच, जितना भी शोल्डर हो तो उसके हाफ करके निशान लगाएंगे। आर्म होल 6 इंच, चेस्ट यानी छाती 36 इंच यानी 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग निकालेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच में 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद आता है वेस्ट यानी कमर, कमर 32 है तो उसका चौथाई भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा, फिर उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 3 इंच प्लस करेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए। उसके बाद बेल्ट, बेल्ट हमें रेडी चाहिए 3 इंच की तो उसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे गला यानी फ्रंट नेक लंबाई में रखेंगे 5.5 इंच, उसके बाद पीछे गला यानी बैक नेक 10 इंच, आप अपने हिसाब से रखें। अब मेथड पढ़ लेते हैं यानी विधि। एक नंबर, सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। दो नंबर, उसके बाद तिरपाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। तीन नंबर, लंबाई का निशान लगाएंगे। चार नंबर, गले के साइज का निशान लगा लेंगे। पांच नंबर, शोल्डर का निशान लगाएंगे, जितना हमारा शोल्डर होगा उसका हाफ इंच करके 1 इंच माइनस करके हम निशान लगा लेंगे। जैसे शोल्डर, शोल्डर 13 इंच हो तो उसमें 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, और 6.5 में 1 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। इसके बाद 6 नंबर, आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट यानी छाती का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का चौथाई भाग करके जो निकलता है उससे रख कर हम निशान लगा लेते हैं। चेस्ट 36 है तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा, तो 9 में प्लस 2 करेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 नंबर, बेल्ट का निशान लगा लेंगे, उसके बाद कमर का चौथा भाग, जैसे कमर 32 है तो 4 से भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा, फिर 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 नंबर, इसके बाद हम टक्स का निशान लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे, उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई का निशान यहाँ से लगाएंगे फोल्डेड साइड से। 14 इंच तैयार चाहिए लंबाई तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर तिरपाई मार्जिन आपको इसी में रखना हो तो 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लें, 1.5 इंच नीचे जाएगा मार्जिन में और 0.5 इंच ऊपर जाएगा शोल्डर के साइड। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमारा 36 है, 36 का चौथा भाग निकालेंगे तो 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे जो सिलाई में जाएगा, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे।
इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर हमारा 32 है तो 32 का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 8 इंच, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे जो 1 इंच टक्स में जाएगा और 2 इंच मार्जिन में जाएगा, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो है बैक पार्ट का है। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद गले की लंबाई रखेंगे तो हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी 2.5 इंच पर एक निशान लगा करके एक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद गोलाई दे देंगे गले का। अब आर्म होल समझ लेते हैं। आर्म होल में बैक पार्ट में 1.5 इंच पर एक गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर गोलाई दें। अब फ्रंट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फोल्डेड साइज से निशान लगाएंगे लंबाई का, तो लंबाई हमें तैयार 14 इंच चाहिए तो उसमें 3 इंच प्लस करके 17 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद फोल्डेड साइज से ही काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, काज पट्टी और बटन पट्टी का कपड़ा छोड़ करके यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। इसके बाद 3 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, जो 2 इंच इधर मार्जिन में जाएगा और 1 इंच कपड़ा ये टक्स में जाएगा, तो 3 इंच चेस्ट में हम बढ़ा करके लेंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे का 32 का चौथा हिस्सा निकाले हैं तो 8 इंच आया है, तो 8 इंच में 3 इंच प्लस करके 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से रखेंगे गला फ्रंट का 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ से भी 2.5 इंच पर निशान लगा करके एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद गोलाई दे देंगे गले का। इसके बाद आर्म होल में गोलाई देंगे, तो गोलाई आर्म होल में देते हैं फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर, तो 1 इंच पर एक इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद गोलाई दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/4 इंच अंदर के साइड एक निशान लगाएंगे और गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे आर्म होल में। इसके बाद यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो बेल्ट हमें रेडी 3 इंच चाहिए तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट का बॉटम पट्टी के साइड से। इसके बाद इधर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो सिलाई के बाद 1.5 इंच आएगा। इसके बाद इस तरह से शेप देते हुए गोलाई कर लेंगे। अब हम टक्स को समझ लेते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 3 इंच है, तो 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच से यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 9.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली टक्स हमारा 1.25 इंच या 1.5 इंच का बनता है। ये सब टक्स 1/2 इंच का बनता है, ये तीनों टक्स। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे ये वाली टक्स के लिए। इसके बाद यहाँ से इस तरह से 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 2 इंच की दूरी पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। तो चारों टक्स के लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ये वाली टक्स की दूरी बटन पट्टी काज पट्टी की तरफ से रखेंगे 3.5 इंच या 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये वाली टक्स हमारा बेल्ट के ऊपर 1.5 इंच पर रहता है। इसके बाद इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी इस तरह से आर्म होल के साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाली गोलाई जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं से ये टक्स का निशान लगाएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।